एक्ट्रेस मुनी के साथ हूँ और आई वुड मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम नेक काम करना चाहते हैं जिसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड को ज्वाइन करके बहुत सारा अच्छा अच्छा काम हम करें और जिसमें पूरी इंडस्ट्री ना कि सिर्फ बीइंग एन एक्टर सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं पर जितने नीडी लोग हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भले वो टेक्नीशियंस हो भले वो स्पॉट बॉय हो लाइट मैन हो या कोई भी हो जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है किसी को कोई प्रॉब्लम है कुछ भी है हम सबकी नीड्स को पूरा करने के लिए हम एक साथ जुटे हैं कि हम इंटरनेशनली अच्छा काम कर पाएँ तो बहुत सारे NGOs भी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे डिग्निटीज एंड पर्सनालिटीज़ एंड सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं इट्स हॉलीवुड विद बॉलीवुड एंड आज एंड नॉलीवुड एंड नॉलीवुड आई हैव बॉलीवुड हॉलीवुड एंड नॉलीवुड आई हैव कंबाइंड ऑल द वर्ल्ड टुगेदर आई एम हियर टू बिल्ड विजडम लैंड यस It's going to be the first one in the world. Yes. And this wisdom land mein, even we'll get even the South actors, Tollywood, jisko kehte hain, unko bhi hum saath mein jodenge. Pura India as a film and industry and with other people also, whether it's business or other people, just to do good work. And we will create this wisdom land starting from Maharashtra, Bombay and Mumbai, jisko kehte hain. Aur yahan se hum aage badhenge. Two different parts of India and Hollywood and everywhere and we will create an international platform jahan pe we are able to do good work even for animals for human beings for everybody yeah. only our only motive is spreading goodwill good things and doing good work together and okay. jitne bhi niswarthi jitne bhi selfless people hain we want that they should join in and do the good work with us so that we create an awareness of good of things to be done from the heart and we intend to accomplish this with all of you and we need your support your blessings and today she has honored me with an award jisme mujhe all my achievements till date jab se main ye industry mein hu 10 saal ki umar se hu 50 se zyada hindi filmein kar chuki hu aur bahut sara nek kaam mein hu NGOs ke sath hu Cine and Television Actors Association mein under abhinetaon ki neta officially elected representative hu और अच्छे काम में मैं कभी भी पीछे नहीं हटती भले वो दैट्स इन द मिडल ऑफ द नाइट वेदर इट्स 3 AM एट नाइट या मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जो कहते हैं या कभी भी आई एम ऑलवेज देयर फॉर एनी नीडी एंड गुड जेन्यून वर्क
और हमेशा रहूँगी. अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हमें मिला है और उसके लिए इन्होंने मुझे सराहाया भी है, मुझे अवार्ड भी दिया है आज. तो मुझे और मोटिवेशन मिल गया है टू डू मच मोर गुड वर्क, बिकॉज विथ हर वी विल डू मोर एंड मोर गुड वर्क. सो थैंक यू, नीड द प्रेस, नीड एवरीबडी, ऑल यू ऑडियंस, एवरीबडी विद अस टू डू ऑल द ग्रेट वर्क वी कैन डू, एंड वट एवर सपोर्ट यू कैन गिव अस, जस्ट डू इट. और भी पीस के लिए, आर्टिस्ट के लिए और भी हैं यहाँ पे, जयशंकर जी हैं, इनमें अलग से क्या है? ये काफी बड़ा सवाल है. Say again, what was his question? What is your question? Okay. What is your question? Art for peace? आप क्या बिलीव करेंगे? He says something. Peace, it starts from within, from the heart. So once you make up your mind that you want peace, faith can move mountains. So same way, you should have that thing from within. It's like beauty lies in the eyes of beholder. If you're beautiful and your thoughts are beautiful from within, there is peace. We don't want wars, we don't want unnecessary killings, we don't want anything. तो जितने भी एन जी ओज हैं, जितने भी लोग जो बोलते हैं वर्ल्ड पीस चाहिए, ये सब वॉर्स और ये सब पावर गेम जो है, ये सब एंड हो, तो हम भी यही कहते हैं कि निस्वार्थी हम आगे सब बढ़े फॉर द राइट कॉज ऑफ नो किलिंग ऑफ वेदर इट्स एनिमल्स, वेदर इट्स ह्यूमन बींग्स, वेदर इट्स एनी थिंग. लेट्स नॉट डू द रॉन्ग थिंग, द राइट थिंग. वी हैव द लॉ, वी हैव द कोर्ट्स, वी हैव द जजेस, वी गॉट ऑल द जुडिशियल सिस्टम इंटरनेशनली एंड नेशनली. सो लेट्स बिलीव इन दैम एंड लेट्स डू द राइट थिंग्स. वी शुड नॉट टेक द लॉ इन आर हैंड एंड वी शुड नॉट किल इनोसेंट पीपल और इनोसेंट एनिमल्स, बिकॉज जब बम ब्लास्ट होता है या कुछ भी होता है तो सबके लिए नुकसान है एंड इनोसेंट लोग मरते हैं. तो आई विल ऑलवेज से पीस कम्स फ्रॉम विद इन. Spread the happiness, spread the peace. Yeah, but the problem is, you know, the word peace is used with a lot of people. And my experience, when I go close to them, and I always say, whoa, because peace is a lifestyle. When the morning I get up, what I do, I am not here to teach anyone what to do. I'm here to just share my lifestyle, because I have a temperament very hard, a lot of people don't have. It's stable because who I am. With meditation, you can create that space where you can have, because you're going to have a lot of shocks. People hating, people loving, doing this. So stress. I can work 18 hours a day with no stress. It's because I'm a believer and I surrender. So the peace comes from within. I have to start my life. And all I can tell you, I only share my lifestyle. That's it. So I'm here to just share my lifestyle. And Wisdom Land is my lifestyle. It's my destiny and it's my life purpose. So Wisdom Land is going to create for men, women, children, and animal. And it's going to be a unique shelter. And you have to talk about your Hollywood, a new life, a new venture in Hollywood that you well, have to talk about. Well, we have also, I got Lynn Evola. She's going to be built the Peace Angel Project in India, and we're going to start in India instead of US, because I told her, you know, we're doing this, so this is going to be a very big. Thank you, my love to your heart, love and peace. Thank you. So my heart to your heart, love and peace. And when you meet people, I always said, Lord, how can I serve? So when I saw you, I said, my heart to your heart, love and peace, and how can I serve? So when you say, how can I serve, then you give that energy of serving. And you, if anybody can do anything in your life, because only when you say, how can you serve? Because when you say, how can I serve, then universe asks you, how can I serve? When you say, give me, give me, give me, universe says, give me, give me, give me. So all the troubles that you have in India is created by Indians. Don't blame the leaders. Leaders reflecting who you are. So take the example of yourself and then see if you can make, I have integrity, I can rub it on her, I can rub it on him, and then slowly you can create a community. I belong to era of conscious where people are happy and content. And we handle very, why? Because wisdom and martial arts. Wisdom and martial arts. So I know there's a hope we can create wisdom and martial arts, and we can create peace. But peace is not something for sale. Peace comes by sharing, by serving. So I want you to introduce me with all your leaders, one by one, and leave me alone.
don't get involved, leave me alone, and then we'll get them all together on one platform, and you will see how India will change. I'm not a politician, I'm not a religious leader, I'm just here to serve and share my lifestyle. My heart to your heart, okay? I need all the Bollywood actors and actresses to stay just next to me and make this wisdom land. And I'm not paying any one of them because they owe India. If they are Indian, every Indian made that the star. Without your fans, you are not a star today. So every single star in Bollywood owe India. And I want them to stay next to me and make it happen. Just like Hollywood people are very passionate and they don't charge money everywhere they go. And they do a lot of volunteer service. Every time I ask the Bollywood, I've been told they charge money. I say, no, they're coming for me. I'm a believer. And here's my person, see? I'm a believer and here he is too. So I know things will happen and I want to make them very aware. India is not alone. India is together. You cannot make the global change. I'm looking forward for the positive global change, and it will not happen unless all the leaders come together on one platform. We are Indian. That's it. Thank no you. Muslim, no Christian, no Jewish. My heart to your heart, love and peace. Yeah, what is that? It is for the peace and arts. And I'm very grateful to her that she could think about me and give me such a lovely award. Because what kya hota hai ki pura Europe, America, India ek saath judna chahte hai peace ke liye award. Jaise humne fashion week kiya Eiffel Tower ke upar. To uske andar bhi peace saas art ta ye hai. Now inka bhi ek award function ho raha hai Beverly Hills mein jahan sare Bollywood, Hollywood aur sab logo ko joda ja raha hai. And इसमें मीडिया पर्सनालिटीज को भी इसीलिए इनवाइट किया जा रहा है क्योंकि मीडिया इज़ वन पार्ट जहां हर मीडिया वाले इसको इस लेवल पे पहुंचा सकते हैं कि हम इसको बहुत बड़ा बना सकते हैं हम मिलके सब कुछ कर सकते हैं तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा एंड उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया है थैंक यू सर थैंक यू I'd like to introduce you with Deepika and Michael. Deepika, kya hai sabhi aaj baat kare jo ek videshi yahan pahunche hain aur Shyamti ki baat. Explain to them what we're going to do. Yeah. Deepika. Hum log filmmakers hain. We want to work in India. We want to give something to world cinema. Now we have Munni. We have Sahila ma'am. We all are collaborative. We are going to change the cinema. We are going to change the world. We are going to change India. With Munni, we are going to make a wisdom land where everyone will be very happy. And yes, Mr. Michael will tell you about, he's my partner. We are going to tell you about our project. Go ahead, Michael. Okay, hello. Yes, basically, it's a pleasure to collaborate with Ms. Munni Irani from Hollywood. And like we are planning an international project, which will be a Indo-US co-production. And this project is going to bring the two countries together because there are a lot of issues which will be covered in the film. And this is just the beginning and we plan to make many more movies because movies are like really it's a great medium to connect with the world audience, you know, and we can pass on so many good things and messages to people and being the largest medium in the world, movies are always going to be watched by a larger section of audience. So that's what we're trying to do, and Munni is here for a bigger cause, and what she just spoke about. Creating a bridge between Hollywood and Bollywood. So it's a great time for us, it's a great beginning, and we look forward to collaboration, and we really thank her for all her support. Thank you. Sahila ma'am, we thank Munni. इससे बहुत सारा चेंज आएगा बिकॉज नॉट ओनली बॉलीवुड इंडिया के लिए चेंज आएगा क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ एक चीज़ कि जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई मैं कहती हूँ हम इंडियन हैं और हमारा रिलीजन ह्यूमैनिटी है तो हमें सिर्फ पीस देखना है हमें अच्छे काम नेक काम में जुड़ना है हमें हैप्पीनेस चाहिए हम इतने सारे टेंशन्स में गुजरते हैं हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसमें हम फ्लरिश कर रहे हैं क्यों क्योंकि लोग पक गए हैं लोग थक गए हैं फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस एंड ऑल द टेंशन से जो हम घर आते हैं हम थक जाते हैं और हमको क्या चाहिए पीस हैप्पीनेस हेल्थ तो हम ये सब टारगेट कर रहे हैं
नेशनली तो मैं कर ही रही थी, लेकिन अब विथ मनी मैम हम हॉलीवुड और इंटरनेशनली हम यूएस के साथ मिलके करने वाले हैं, जिसमें मनी मैम डज नो बट देर इज़ द यूएस एम्बेसी ऑल्सो विथ मी हु इज़ गोइंग टू बी फुल सपोर्ट इन ऑल द गुड कॉजेज एंड दे बीन ऑलवेज वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी. And also, I'm besides being a film actor and a former Miss India, I'm a film producer also. I'm getting into events and film and television production and everything. Now, with her, with that medium, yeah, we are going international too. And there will be a lot of announcements, jisme there will be a collaboration between Hollywood actors and Bollywood actors and Tollywood actors, right, and Indian actors, I will say. All industry, everybody, where there is talent, we will be there with the right kind of like-minded people with us, जिसमें हम अच्छे काम भी करें, हम as a human also हम करें. जैसे मेरी films हैं, इसमें मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई genuine NGO को कुछ percentage भी हम दें हमारी फिल्मों के success से. तो ये contribution से मेरा नहीं होगा, जितने लोग जो हमारी फिल्म देखेंगे, जो टिकट खरीदेंगे, अगर मैं वो contribution देती हूँ automatically, क्योंकि उन्होंने हमारी फिल्म को successful किया है, तो उनका contribution भी automatically towards good होता है. मैं ये नहीं कहती हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक इट इन टू अ मनी मेकिंग रैकेट एंड ऑल दैट. आई एम हैप्पी, जितना मेरा चादर है उतना पैर फैलाती हूँ. आई डू नॉट बिलीव इन लालच. वी वॉन्ट टू डू गुड निस्वार्थी जेन्यून वर्क, सेल्फलेस जेन्यून वर्क लाइक यू से, एंड अलॉन्ग विथ हर वी वॉन्ट टू स्प्रेड गुडनेस, पीस, हेल्थ, हैप्पीनेस अलॉन्ग विथ विजडम, विजडम लैंड. विजडम का मतलब नॉलेज, एंड नॉलेज जब हमें अक्ल आएगी, तो हमें अकल आनी चाहिए कि राइट काम करो. अगर हम छोटी सी जिंदगी है, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, तो ये छोटी सी जिंदगी में हम बुरे काम के लिए क्यों टाइम निकालते हैं? हम अच्छे काम कंप्लीट नहीं होते जिंदगी में, तो हम बुरे काम क्यों करना चाहते हैं? तो मेरा यही कहना है कि डू गुड वर्क इफ यू हैव टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग वर्क. यूज योर लाइफ विच इज वेरी प्रेशियस, इफ यू वैल्यू योर सेल्फ, ऑल योर नियर डियर वंस, यूज इट राइट टू डू गुड एंड गुड एंड गुड. Genuine good work. एक आप बात को रोकना चाहेंगे हम. जी ठीक है, मुंडी जी हमारी मेहमान है, विदेश से आई है शांति के लिए, लेकिन एक तरफ से वहाँ से फरमान है कि विदेशियों को बाहर निकाला जाए यहाँ से, ये बहुत बड़ा सवाल, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यूएस में जो बाहर के लोग हैं, इंडियन हैं, कोई भी है, उसको बाहर निकाला जाए. जी दैट एवरी कंट्री एवरी वन सेज के यू नो रिमूव द फॉरनर्स. मैं ये बोलती हूँ, कौन, कैन आई आंसर दैट क्वेश्चन? आई जस्ट, सिंस आई विल ओनली से वन थिंग, यू आर बॉर्न अलोन, यू डाई अलोन, यू लिव अलोन. बट टेल मी वन थिंग, व्हेन वी आर बॉर्न वी डोंट हैव अ नेम, वी डोंट हैव एनीथिंग. हमें नाम कोई दूसरा देता है, हमें घर कोई दूसरा देता है, हमारा पैसा भी टेम्पररी है, हम जिस घर में रहते हैं वो भी टेम्पररी, वी आर लाइक कैटेकर्स. ओके, आर लाइफ, जब हम मरते हैं, व्हेन वी आर डेड, आर बॉडी इज ऑल्सो नॉट आर्स. हमारा शरीर जो है वो भी हमारा नहीं है. हम, हमारा है क्या इस दुनिया में? नॉलेज हमारा है, उसको हम सही पाथ, सही पटरी पर हम अगर हम चलेंगे, सही राह पर हम चलेंगे, देर इज़ नो रॉन्ग पाथ, राइट पाथ पर जाएंगे, दैट इज़ द ओनली थिंग, नॉलेज इज आर्स. Wisdom, knowledge is ours. So we need to be in the right path, right way, instead of thinking के oh ये हमारा वो हमारा, कुछ नहीं, सब temporary है. मुझे कोई चीज़ बता दीजिए, हमारा शरीर भी हम नहीं लेके जाते, when we are gone. So what is ours? We are all caretakers and it's a temporary world. So in this temporary world, let's create peace, happiness, health, prosperity and do all the good work that we can. So I will only request everybody, whoever's hearing me, and all the people around me, all our near dear ones, all our industry people, all the Indians, all the foreigners, all the people all over world, to come together for this genuine cause, and let's create a better world, let's create a more happier world, let's create a peaceful environment wherein we are giving everything good, let's plant trees, let's do all the right things possible, and let's create peace, global positive change. Yes. Global positive change. Thanks. इंसान अच्छा है उसकी रिस्पेक्ट हर जगह होती है, चाहे वो फॉरनर है चाहे वो इंडियन है. मदर टेरेसा की रिस्पेक्ट हर जगह है, गांधी की रिस्पेक्ट हर जगह है, इसलिए मुन्नी जी हैं, अगर ये अच्छा काम करेंगी तो इनकी रिस्पेक्ट इंडिया में भी है. थैंक यू. हियर इज माय मेकअप आर्टिस्ट, यंग एंड ब्यूटीफुल, एंड द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी.